इससे बहुत ज़्यादा है, एक आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो ऐसे केस में हम ए को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और ये टू ए इंटू क्यू, ये डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा, इंटू आर हो गया इंटू क्यू, और नीचे में हो गया फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर का स्क्वायर यानी आर फोर, यहाँ से कैंसिल हो गया तो आर थ्री हो गया और ये हो गया टू, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन बोलना नहीं है, डायरेक्शन है ये पी के डायरेक्शन यानी कि पी का, और ये हो गया पी टू पी पी डिवाइडेड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड दोनों मिल करके फैक्टर हो जाते हैं, ऐसे केस में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया ई इक्वल टू टू पी डिवाइडेड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर की, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, अगर यदि मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो मैग्नीट्यूड केवल हम देखते हैं तो टू पी डिवाइड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर की, और डायरेक्शन अगर देखेंगे तो ये डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अलावा किसी भी डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल पे एक्सियल पॉइंट पे आर डिस्टेंस मिड पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये होगा और उसका डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। अब यदि इस लाइन पे और आगे बढ़ते जाए तो पी तो कांस्टेंट होगा लेकिन ये वेरिएबल होगा यानी ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्सियल पॉइंट